हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. अभी ये सुबह का टाइम चल रहा है, मतलब सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे हमारी सफाई चल रही है, क्योंकि बहुत दिन से छोड़ रखी थी कि कर लूँगी, आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, लेकिन डे बाय डे बढ़ता जा रहा था. तो फाइनली सोच रही हूँ आज सवेरे थोड़ा सा कुछ काम करना चाहिए. सफाई वफाई का भी ज़रूरी होता है. तो मैं यहाँ पे जो है फ्रीज अंदर से तो बिल्कुल साफ़ है, बाहर से क्या होता है ना, बाबू जो है हाथ वगैरह रख देती है, कभी कुछ किसी हाथ से छू देती है तो वो क्या होता है, दाग रह जाता है. तो यहाँ पे मैं उसको साफ़ कर ले रही हूँ. कोलिन से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर ले रही हूँ और भी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है और फेस्टिवल भी अब आने वाला है, तो सफाई तो अब हर घर में शुरू हो जाएगा. यहाँ पे मैं रूम में जो मिरर लगा हुआ है उसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि ये कभी कोलिन से भी कर लेती हूँ, कभी पेपर वगैरह जो होता है ना, पेपर से भी आप अच्छे से इसे साफ़ कर सकते हो, क्योंकि पेपर को पूरी अच्छे तरीके से खोल दो. उसके बाद ये देखो, ये मैं जो हूँ मनाली से लेके आई थी, तो मैं सोची आप लोग को दिखा दूँ, क्योंकि इसका जो वो टांगने वाला जो रिंग होता है वो टूट चुका है. बाबू जो है वो गिरा दी, जिसकी वजह से ये टूट गया. और यहाँ पे ये बाबू का जो रैक है, क्योंकि मकान मालिक जो है घर में कबर्ड जो है बहुत छोटा बना के दिए हैं, इस वजह से कपड़े जो है वो पूरा नहीं आ पाते हैं उसमें. और इसके बाबू का जो डेली यूज़ का जो कपड़ा होता है, मैं इसी रैक पर रखती हूँ ताकि वो आसान रहे लेना. तो मैं इसे भी साफ़ कर ले रही हूँ, ये देखो कर लिया ठीक. और उसके बाद भी जो सफाई कर रही है, सफाई क्या मतलब, मिट्टी बहुत दिन से था रखा हुआ. तो यहाँ पे ये जो पौधा छोटा छोटा आप देख रहे हो, इसका ये पौधा जो मैं अपने भैया के यहाँ से लेके आई थी, मतलब लेके नहीं आई थी, भाभी ने मुझे दिया था कि लीजिए आप लगा लीजिएगा. तो यहाँ पे मैं उसको भी लगा दी, दो तो मैंने पहले ही लगा दिया था, जब आई थी तभी लगा दी थी, तो और दो छोड़ दी थी क्योंकि मिट्टी जो था ना वो कम था, जिसकी वजह से नहीं लगा रही थी. रक्षाबंधन में जो गई थी ना उसी टाइम, तो यहाँ पे मिट्टी मैंने जो है वो डाल दी है थोड़ा सा, और ये और थोड़ा कम भी पड़ रहा था मिट्टी. तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह का काम हुआ था तो मैं सोची थोड़ा सा झाड़ू वगैरह भी लगा ही लेती हूँ. तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग भी कर ले रही हूँ. सफाई वगैरह करने के बाद जो था, कुछ कपड़े थे, कुछ कपड़े नहीं बहुत कपड़े थे जो कि वो भी साफ़ करना था, तो वो भी मैं साफ़ करके डाल ले रही हूँ. क्योंकि इधर से सारा काम वगैरह जब हो जाएगा तो अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन में भी अभी कुछ भी नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है. तो मैं यहाँ पे जितने सारे कपड़े धोई थी मैं वो सब डाल लूँगी. अब देखो यहाँ पे मैं दाल जो है चढ़ा के ही चली गई थी, क्योंकि काम भी होगा और दाल भी बन जाएगा. दाल बनाने में तो खड़े होके बनाना है नहीं, तो मैं इसे भी दाल जो है बन चुका है. और यहाँ पे मैं केले कट कर ली हूँ और इसे भी मैं बना लूँगी. केले का सब्जी, सिंपल सूखी सब्जी बनाना है, रस वाली नहीं बनाऊँगी. तो यहाँ और एक साइड मैंने दलिया चढ़ा दिया है बाबू के लिए, क्योंकि और नाश्ते में मैंने तो कुछ नहीं किया है. इनको मैं दे दी थी स्प्राउट वगैरह, क्योंकि ये मॉर्निंग में स्प्राउट ही खाते हैं. तो यहाँ पे इसकी भी सफाई सोची मैं कर ही लेती हूँ. ये मैं फ़िल्टर जो था बहुत दिन से नहीं कर रही थी इसका भी सफाई, तो पानी अगर पीते हैं तो इसकी भी तो सफाई ज़रूरी है, तो इससे भी मैं साफ़ कर लूँगी. मैं जब काम करती रहती हूँ तो मेरी बेटी आगे पीछे, मेरा बच्चा आगे पीछे रहता है, घूमते रहता है, देखते रहता है कि मम्मा क्या क्या कर रही है. तो वो देखो वहाँ पे मेरी बेटू जो है वो खड़ी है, वो देख रही है कि मम्मा क्या. मैं उसे उससे बात भी कर रही थी कि देखो मम्मा आप क्या क्या. फ्री हुए हैं अभी, जस्ट पूजा किया है
और मतलब नहा धो के अभी मैं जस्ट आई हूँ, और काम वगैरह जो जैसा कि आप लोगों को देख ही थे कि वीडियो में मैं पूरा क्लीनिंग की हूँ आज, मतलब तो जो थोड़ा बहुत होता है क्योंकि मतलब काफ़ी दिन से छोड़ दी थी, कभी कुछ काम रह जाता था जिसकी वजह से नहीं सफाई हो पाती थी, लेकिन आज फाइनली वो भी काम कर लिया। और क्योंकि फ्रीज पे क्या होता है ना, बाहू जो है मतलब कोई भी चम्मच या कोई भी टॉयस वगैरह जो है टॉयस से मारती है तो वो थोड़ा सा ना दाग वगैरह रह जाता है, डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आज मैंने वो भी काम कर लिया। और जो भी सारे गमले में मिट्टी वगैरह जो थे बचे हुए मतलब वो भी मतलब भर दिए, क्योंकि मिट्टी थोड़ी कम पड़ रही है, अब लेके आऊंगी तब फिर से लगाऊंगी। और ये देखो मकान मालिक अभी तक ये नहीं टाइल्स लगाए हैं, ये पहला फ्लावर है, 2 दिन से कली आ रही थी, आज देखो ये खिल गई है पूरी तरीके से, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस होती है जब किसी भी पेड़ को आप अच्छे से उसका सेवा करो, उसे सुबह शाम रोज पानी में देती थी ताकि वो जल्दी खिलाए, तो आज वो फूल खिल गया। और अब जा रही मैं चावल बनाने के लिए, क्योंकि सुबह में मैंने रोटी और सब्जी बना के रखती थी, चावल नहीं बनाई बनाई थी, सोची मैं नहा के आऊँगी तब बनाऊँगी, और अब जा रही हूँ चावल बनाने के लिए। और ये देख रहे हो दरवाजे में जो ये पिन, ये प्लास्टिक है, ये उखाड़ना है लेकिन उखाड़ नहीं पा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है, अब सोचती हूँ किसी दिन ये भी काम कर लूँ। जल्दी से मैं चावल चढ़ा दे रही हूँ क्योंकि भूख जो है वो भी मुझे बहुत तेज़ लग चुकी है, क्योंकि नाश्ता वगैरह मैंने कुछ नहीं किया था। आंटी यहाँ पे इवनिंग में मॉर्निंग में दोनों टाइम अपने पौधों में पानी डालने के लिए आती हैं, तो मैं भी बाबू को टहलाने के लिए इवनिंग में आती हूँ, सुबह में तो नहीं आ पाती। यहाँ देखो सिद्धि की बदमाशी चल रही है, मतलब जितने पौधे में पानी डला रहा है तो वो मिट्टी गीली हो जा रही है, तो उससे वो निकाल निकाल के खेलना चाह रही है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस नए ब्लॉग्स आप लोग को जल्दी मिलते रहे। तब तक के लिए ये तो टाटा पूरा बाय मिट्टी बाय, लव लगाई यू हुई ऑल, है। टेक केयर।